हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ निदा और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पर चाय आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। चाय से आपके और आपके बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इससे आपको परेशानी हो सकती है। तो चाय के बाद आपको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रेग्नेंट होना वैसे हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर है जो जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं होता है और उनको पता करने के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखनी चीज़ें चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि नाजुक होता है। उसमें अगर आप थोड़ी सी भी गलती आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, चाय ज़्यादातर नॉर्मली सभी लोग चाय पीते हैं, चाय पीना आम बात है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे चाय आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। चलिए, आप चाय पीती हैं लेकिन कम चाय पिए प्रेगनेंसी के टाइम पर। और इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि चाय पीने के तुरंत बाद आपको आयरन वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी है, इससे आपको और आपके बेबी को खतरा हो सकता है। आयरन वाली चीज़ें जैसे कि सूखे मेवे हो गए, आपकी हरी सब्जियां हो गई आपकी, और इसके अलावा मीट हो गया, ये चीज़ें चाय के तुरंत बाद आपको नहीं खानी चाहिए, या आयरन वाले टेबलेट जैसे डॉक्टर आपको देते हैं। तो चाय पीने के तुरंत बाद आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। इसके अलावा आप प्रोटीन वाली चीज़ें खा सकती हैं, आप सब कुछ लें, लेकिन चाय के तुरंत बाद ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना लें, ये आपके और आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है, इससे आपको गर्भपात का खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए निदा हेल्थ केयर। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।